स्टूडेंट्स, आजकल हम लोग कोविड के थर्ड वेव अर्थात ओमिक्रॉन से गुजर रहे हैं। इस हालात में ऑनलाइन कक्षाएं की व्यवस्था की जा रही है सभी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में, इसके साथ ही स्कूल्स कॉलेजेज में। तो ट्वेल्थ के चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं आज के इस वीडियो के माध्यम से, जिसमें ट्वेल्थ ग्रामर का पहला चैप्टर होता है टाइम एंड टेंस। इसमें दो टर्म आते हैं, एक टाइम दूसरा टेंस। टाइम जो होता है ये नॉन ग्रामेटिकल टर्म होता है, जिसका तात्पर्य जो है गुजरे हुए महीनों से, गुजरे हुए दिनों से, गुजरे हुए वर्षों से होता है। अर्थात ये टाइम जो है रिप्रेजेंट करता है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को। इसके साथ ही टेंस जो होता है ये ग्रामेटिकल टर्म होता है, यह जो है एक्सप्रेस करता है अर्थात व्यक्त करता है वर्ब के फॉर्म्स को, अर्थात इट एक्सप्रेसेस फॉर्म ऑफ वर्ब्स। ये वर्ब्स के जो फॉर्म होते हैं पांच प्रकार के होते हैं, इसका पीडीएफ भी आप लोगों के ग्रुप में सेंड कर दिया गया है, उसको आप ध्यानपूर्वक याद कर लेंगे, जो कि आपको टाइम एंड टेंस पढ़ने में और उसको सीखने में काफ़ी हेल्प करेगी। तो टाइम क्या होता है? टाइम का तात्पर्य जो है बीते हुए दिनों, महीनों, घंटों, वर्षों, अर्थात प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर से होता है। जबकि टेंस एक ग्रामेटिकल टर्म है, जिसका तात्पर्य जो है क्या होता है? वर्ब के समूहों को बोध कराने के लिए, वर्ब के समूहों को बोध कराने के लिए होता है। मॉडर्न ग्रामरियंस के अनुसार ये जो आपका टेंस होता है ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट होता है। अब आप लोग को समझ में आएगा कि ये फ्यूचर कहाँ गया, तो आम भाषा में उसको सोचिएगा, फ्यूचर जो है, फ्यूचर इज ए पार्ट ऑफ प्रेजेंट, फ्यूचर है प्रेजेंट का ही पार्ट होता है। इसे आपको फिर जब पढ़ाने स्टार्ट कर दिए तो अब आगे आपको इसको भी समझाया जाएगा, लेकिन अभी आप सिर्फ समझिए कि मॉडर्न ग्रामेरियंस के अनुसार प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। परंतु हम लोग जो अभी सीख रहे होते हैं तो वो ट्रेडिशनल ग्रामर को फॉलो करते हैं, जिसके अंतर्गत प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीन प्रकार के टेंस होते हैं, और प्रत्येक के चार चार जो है काइंड्स होते हैं। उसको बारीकी से उसके स्ट्रक्चर को समझेंगे, उसके बाद जो है उसके यूजेज को समझते जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए इसमें यूज ऑफ टेंस, ये आपका हेडिंग हुआ। इसके अंतर्गत जो है जितना भी टेंस है आएगा, उसके काइंड्स को भी, उसके रूल्स और उसका क्या क्या यूज है सबको बारीकी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस को पढ़ेंगे, और सिंपल प्रेजेंट टेंस को कैसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया जाता है उसको जानने के लिए सबसे पहले आप यूज कीजिएगा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म के अंतर्गत वर्ब के साथ एस या ईएस लगता है, जिन वर्ब के लास्ट में ओ सी एच लगा हो रहा था उसमें अधिकांशतः ई एस ही लगता है, जैसे गोज हो गया, टीचेज हो गया। फिर ऑब्जेक्ट का यूज करना होता है, फिर अदर वर्ड का यूज करना होता है। अगर इसी को जब नेगेटिव में लाते हैं हम लोग, तो जो है यहाँ डू या डज जो है सब्जेक्ट के जस्ट बाद आ जाता है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, और बाकी का स्ट्रक्चर सेम है। नोट आपको ध्यान रखना है कि वर्ब का फिफ्थ फॉर्म जो होता है कोमा, डज जो होता है ये सिंगुलर फॉर्म होते हैं, और ये अपने साथ सिंगुलर सब्जेक्ट अर्थात सिंगुलर नाउन अथवा नंबर को रखेंगे अपने साथ। जबकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और डू ये जो है प्लुरल होते हैं, इसका सब्जेक्ट अर्थात नंबर क्या होंगे? प्लुरल होंगे। तो अब देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस के यूज को अब बारीकी से समझते हैं, तो इसको आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से नोट भी कर सकते हैं, और आज रात तक आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा कि प्रेजेंट टाइम में चलने वाले परमानेंट एक्शंस अर्थात अस्थाई कार्य के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करने में, उसको बनाने में। तो देखिए आई टीच इंग्लिश, तो मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, यहाँ परमानेंट वर्क है कि मैं इंग्लिश आप लोग को पढ़ाता हूँ, इसलिए वर्ब का पांचवा रूप लगा है, क्योंकि आई के साथ फिफ्थ फॉर्म वर्ब लगता है। उसके बाद देखिए रीशु
रंस अ ब्यूटी पार्लर। रिशु जो है एक सिंगुलर है, नंबर है, इसलिए इसके हिसाब से इसमें क्या लगा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। यहाँ रंस मतलब जो है दौड़ना मत समझिएगा, इसका हिंदी मीनिंग होगा कि रिशु एक ब्यूटी पार्लर चलाती है। उसके बाद है ही डील्स इन गोल्ड। डील्स इन मतलब होता है व्यापार करना, और डील्स विद होता तो उसका मतलब होता है व्यवहार करना। ये भी प्रीपोजिशन को आप लोग को समझना चाहिए, जिसे प्रीपोजिशन चैप्टर में भी डिटेल से समझाया जाएगा। तो यहाँ इसका मतलब हुआ कि वह सोने का व्यापार करता है, तो उसका अस्थाई दुकान है तो परमानेंट काम कर रहा है, अस्थाई वर्क, इसलिए क्या हुआ ही डील्स इन गोल्ड। उसके बाद है मैं उसका ध्यान रखता हूँ, तो मतलब कोई अपनापन होता है तब तो उसको केयर किया जाता है, या फिर जो होते हैं ओल्ड पेरेंट्स उसका देखभाल करना बच्चे का क्या होता है कर्तव्य होता है। तो यहाँ जो है टेक केयर आया है, अर्थात आई है तो आई के साथ क्या होता है भर का फर्स्ट फॉर्म होता है, आई टेक केयर ऑफ हिम। तो अस्थाई कार्य के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। इसका दूसरा यूज होता है टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ, सर्वव्यापी सच को बतलाने वाले सेंटेंसेस में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। जैसे द अर्थ मूव्स राउंड द सन, अर्थात पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर काटती है, ये पूरा दुनिया जानता है और ये सच भी है, इसलिए इसका यूज कहाँ किया गया, इसमें वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगेगा, क्योंकि पृथ्वी जो है एकमात्र उपग्रह है, एक ही है पृथ्वी। उसके बाद है टू एंड टू मैक्स फोर, दो और दो चार होता है, कहीं कहीं मैक्स का यूज होता है, कहीं कहीं इज का होता है। इज जो है प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है, वाज किसको करता है पास्ट को, और विल सेल करता है फ्यूचर को। तो ये क्या हुआ प्रेजेंट का ही पार्ट है। उसके बाद है वाटर इज, ये प्रेजेंट आ गया, सिंगुलर भी है। वाटर इज मेड ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, अर्थात पानी जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बनता है, साइंस के स्टूडेंट आप लोग हैं तो समझ जाइएगा। उसके बाद है द गंगेज स्प्रिंग्स फ्रॉम द हिमालयाज, मतलब जो है गंगा कहाँ से निकलती है हिमालय से निकलती है, ये भी सच है, इसलिए क्या हुआ सिंपल प्रेजेंट टेंस, गंगा जो है सिंगुलर होता है। उसके बाद है मैन इज मॉर्टल, अर्थात मनुष्य क्या होता है मरणशील होता है, किसी न किसी दिन मनुष्य को मरना ही है, ये पूरा दुनिया जानता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है यूनिवर्सल ट्रूथ कहा जाता है, जो बात सर्वव्यापी सत्य हो। सिंपल प्रेजेंट टेंस का तीसरा यूज है टू एक्सप्रेस प्रेजेंट हैबिट, अर्थात वर्तमान की आदत को व्यक्त करने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। अब उसको कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं। आई गेट अप बिफोर सनराइज, मैं सूर्योदय से पहले जगता हूँ, ये क्या होता है हैबिट को एक्सप्रेस कर रहा है, आदत को। उसके बाद है सी गोज टू कॉलेज डेली, वह प्रतिदिन महाविद्यालय जाती है, इस डेली से भी पता चल रहा है क्या है हैबिट को एक्सप्रेस किया जा रहा है, इसलिए क्या हुआ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज किया गया है। उसके बाद है ही गोज टू पटना एवरी मंथ, वह प्रत्येक महीने जो है पटना जाता है, तो ये एवरी जो है इससे भी पता चल रहा है कि ये हैबिट को बता रहा है कि उसका आदत है कि महीने में जाना ही जाना है पटना। उसके बाद देखिए आपको पहचानने के लिए कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, जिसको आसानी से देखकर समझ लीजिएगा कि ये सिंपल प्रेजेंट का ही सेंटेंसेस है। तो देखिए डेली, डेली जिसमें लगा हुआ रहेगा उसमें वर्ब का पहला रूप या पाँचवा रूप लगाना है, या निगेटिव होगा या इंट्रोगेटिव होगा तो डू या डज लगेगा। एवरी, वंस अ डे, वंस ए मंथ, वंस अ ईयर, कुछ भी लगा हो रहे तो आप यूज कीजिएगा सिंपल प्रेजेंट का ही, या फिर लिखा हुआ ट्वाइस अ मंथ, महीना में दो बार, ट्वाइस अ ईयर, साल में दो बार, इस टाइप से। ऑलवेज हमेशा, सेल्डम कभी कभार अर्थात बराबर, नेवर कभी नहीं, ऑफन ऑफन प्रायः, यूजुअली हमेशा, इसका मतलब भी हुआ कि हमेशा के संदर्भ में ही आ रहा है, प्रायः कह सकते हैं, रेगुलरली नियमित रूप से। उसके बाद है समटाइम्स, कभी कभी, जनरली सामान्यतः, ये सारे वर्ड्स जो है
प्रेजेंट की हैबिट को एक्सप्रेस करते हैं। इन सारे वर्ड्स को किसी सेंटेंस में देखेंगे तो ऑप्शन के हिसाब से यूज करना है सिंपल प्रेजेंट, अर्थात डू, डज या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। ठीक, उसका देख कुछ इससे अभी एग्जांपल लिया गया है। ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, वह हमेशा सच बोलता है। दे नेवर कम लेट, वे लोग कभी लेट नहीं आते हैं। वी सेल्डम गो टू द सिनेमा, हम लोग कभी कभार सिनेमा जाते हैं। सेल्डम से पता चल रहा है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सी गोज टू भागलपुर ट्वाइस ए मंथ, इसका मतलब वह जो है भागलपुर महीने में दो बार जाती है। इस टाइप से आज के इस वीडियो को सिंपल प्रेजेंट टेंस के तीन रूल्स के माध्यम से समाप्त करते हैं। आप इसे समझ लीजिएगा और इससे भी पहले जो है आप टेंस का वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।